इतना सामान ले लिया बस ना, इतना काफी और लेना है क्या? सारा सामान हम बाइक में कैसे लेके जाएंगे? तो फिर इतना परेशान होके फोन आया और इतनी जल्दी से बाहर चले गए? जाहिर सी बात है, कोई ऐसा होता है मामला। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग, सुबह के बज रहे 9:30 और नाश्ता मैं अभी कर रहा हूँ। नाश्ते में है भाई पराठा और चाय। फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं। मैं एवरी मॉर्निंग चाय और पराठा खाता हूँ, कभी कभार अंडा भी खा लेते हैं। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। ब्रेकफास्ट डन। जब मैं चाय पी रहा था तो मुझे लगा कि इसमें चीनी होगी। जब मैंने चाय पी तो बाद में पता चला कि इसमें गुड़ था, तो गुड़ वाली चाय थी, तो अच्छी थी, जबरदस्त मजा आया। तो सुबह सुबह ये गुड मॉर्निंग पाकिस्तान चल रहा है। तो टाइम हो रहा है 1:45। आज जुमे का दिन है, हम सब नहाने वाले हैं, वो भी सर्दी में। ये भी नहाएगा, मैं भी नहाऊंगा। अभी पानी जो है वो गर्म हो रहा है, उसके इंतजार में बैठे हुए हैं। तो जुमे का दिन है तो मैं सोच रहा हूँ आज सफेद कपड़े पहन लूँ। पेंट शर्ट नहीं पहनता, वरना रोजाना पेंट शर्ट पहनता हूँ, आज सफेद कपड़े पहन लेता हूँ। तो टाइम तो हो गया है, तो जल्दी से नहा धो के फिर निकलते हैं जुमे की नमाज के लिए। फाइनली जी मैंने नहा लिया। तो आज लंच में बन रहा है बे पालक, सिंधी डिश बन रही है, तो इसको हम खाएंगे नमाज के बाद। तो 3 बजने वाले हैं, अभी नमाज पढ़ के वापस आ चुका हूँ, तो अभी हम करेंगे लंच। लंच में है वही चीज, बे पालक और रोटी और पानी बस। लंच डन हो गया, तो बैठक में अभी दोस्त आया हुआ है, उससे मैं मिलने जा रहा हूँ। क्या कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम, मैं जस्ट वॉचिंग टिकटॉक। बस टिकटॉक देखते रहना और कुछ नहीं करना। टिकटॉक बना भी रहे हो? नहीं मैं नहीं बना रहा, सब देखता हूँ। कौन सा मेहमान है? अच्छा ये मेहमान है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? तबीयत कैसी है? जबरदस्त है। अब पता नहीं, हम बिजी हैं मोबाइल में, सोशल मीडिया, फेसबुक पे वीडियो देख रहे। खाना वाना खा लिया? कब का? क्या खाया आज? मैंने खाया बे एंड पालक। भे पालक? भे पालक तो हमारे घर में बने हैं। तुमने कैसे खाया? वही खाया था। अच्छा यहाँ पे खाए थे? यस। अच्छा तुम दोनों ने खाना यहाँ साथ में खाया था? Absolutely right. तो मेरा भी इंतजार कर लेते, मैं भी साथ में खा लेता। क्यों इतनी तो जल्दी क्यों देना पालक और वो भी? तो साथ में खा लेते ना, क्या हो जाता? मेरी फिर वो जो है ना बिरयानी मंगानी पड़ती अगर तुम आ जाते तो, इस वजह से हमने तुम्हें दावत नहीं दी, इसलिए तुम अपना घर पे ही रहा करो, सलाद खाया। नहीं मेरा इंतजार कर लेता ना, मैं आ जाता फिर मैं तुम्हारे साथ भी खा लेता। इंतजार एक बड़ी खतरनाक चीज है, इंतजार ना किया जाए कभी भी किसी का। इंतजार में बंदा जो है ना उम्र ही निकल जाती है, इस वजह से हमने इंतजार नहीं किया। इतना लंबा है, बहुत लंबी करता है बातों में। क्या क्या सुनाया इसने? देखे ये और कुछ सुनाना है? अच्छा और भी जिंदगी में एक तो इंतजार मोटिवेशनल। हाँ मोटिवेशनल नहीं, मतलब आपको ना जहाँ मिले जो मिले खाओ। अच्छा ओ चारपाई गिर गया मैं। अच्छा तभी ये लेटा हुआ है खा पी के मस्त सो रहा है भाई। ये देखो भाई निजाम ने अभी चार्ज लगाया और चार्जर की हालत देखो, लटक रहा है, कभी भी गिर सकता है। पता नहीं अब चार्ज हो भी रहा है या नहीं, देखता हूँ। हाँ चार्ज हो रहा है, ये देखो चार्ज हो रहा है। ये देख रहे हो किताबें? ये सारी किताबें जितने भी आप देख रहे हैं ना, सारी किताबें, एक भी किताब मैंने नहीं पढ़ी इनमें से। बाहर जाने का कोई सीन है? कोई नहीं, कोई भी सीन नहीं है। मतलब आज घर पे बैठ के बोर होना है। बाहर तो जाने पर डर लगता है। हाँ ये चीज यही तो बतानी थी, ये दिमाग से निकल गई। दो बार छीन लिए। हाँ भाई इसके साथ बहुत बड़ा सीन हो चुका है भाई, कुछ हमें भी बताए कि क्या सीन हुआ था, कैसे हुआ था भाई? दो मोबाइल पहले छीन लिया हमसे। अच्छा ये पीपी से ब्लॉग। जो पहला मोबाइल छीना था वो क्या सीन था? वो सीन हमें भी बताओ। तो सीन तो बताओ क्या हुआ था, कैसे हुआ था? नहीं सीन को दोहराना नहीं है, बस छोड़ दो। क्यों दिल पे मतलब डर लग रहा है वो बताते हमारे ख्वाब में आता है। मेरे साथ भी एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा हमारे साथ हुआ है। हुआ क्या है? हुआ ये है स्नैचिंग हो गई है हमारे साथ। दिलदार के साथ भी वही हुआ है और हमारे साथ भी वही हुआ है। और गुड लक ये था कि उनके साथ मैं भी था, दिलदार था, एक मैं था और एक इलियास था।
उस सीन में ये हुआ कि इन दोनों का मोबाइल लेके गया इलियास का और दिलदार का, और मेरा जो मोबाइल था वो बच गया। वो बच कैसे गया? क्योंकि इलियास का मोबाइल और मेरा मोबाइल दोनों मेरे पास थे, तो मैं इलियास का मोबाइल यूज़ कर रहा था, तो उस चोर ने इलियास का मोबाइल देखा, वो छीन लिया और इलियास को थप्पड़ मारा, क्योंकि उसके पास से कुछ निकला ही नहीं, और इस बेचारे का भी मोबाइल चला गया। भाई देखो, तो कराची में रहना है, कराची में रहना है, तो आदत डाल दो कि भाई कभी भी कहीं से, इस कोने से, पीछे से, सामने से, कहीं से भी आ सकता है। मतलब हम जो कुछ भी कमाते हैं, जितना पैसा कमाते हैं, हम अपने लिए नहीं, हम बेचारे गरीब बेरोजगार गुर्बत वाले चोरों के लिए कमाते हैं। बस दूसरी मरतबा इसका मोबाइल चला गया, अब ये तीसरी मरतबा ये मोबाइल लेके, हफ्ता पहले इसका मोबाइल चला गया था, अब ये फिर मोबाइल लेके आए। उससे पहले 25,000 का था, फिर उसने लिया 15,000 का, अब लिया है कितने का? 5,000। मोबाइल जिंदा ही है 5,000 का। और आई एम वेरी लकी, क्योंकि मेरा मोबाइल, जब भी मेरे पास तीन मरतबा चोर आए हैं, एक मोबाइल नहीं लेके गए मेरा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आए थे रमजान में ये सीन हुआ था कि चोर आए मेरे पास, मैंने बोला मोबाइल छोड़ दो वरना मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, उसने मोबाइल छोड़ दिया भाई, वो जेब में डाल ही रहा था मोबाइल, छोड़ दिया, मोबाइल बच गया मेरा। दूसरी मरतबा मोबाइल बच गया, तीसरी मरतबा भी मैं, मोबाइल मेरे पास था नहीं, मेरे को पता था कि चोरियाँ होती हैं, तो इसलिए मैंने रात को घर पर ही रखा हुआ था। तो अब जब भी घर से निकलें तो आयतल कुर्सी पढ़ के फिर निकला करें। एवरी फ्राइडे हमारा मीटअप होता है इस बैठक में, तो हम साथ में खाना वाना खाते हैं। तो दूसरी बात यह है कि हम बाहर जाके भी व्लॉग नहीं बना सकते, मोबाइल बाहर निकाल नहीं सकते, क्योंकि डर लगता है, क्योंकि मोबाइल चला ना जाए हमारा, इसलिए हम घर पे बैठ के मोबाइल चला रहे हैं। ये देखो घर में बैठ के ये भी मोबाइल चला रहा है और ये भी चला रहा है, ये सारा दिन टिकटॉक देखते रहते हैं। तो मैं अभी जा रहा हूँ अपने भाई के साथ ऊपर, क्योंकि इसको एक प्रोजेक्ट के लिए वीडियो बनानी है। श्याल बरादरी जिंदाबाद, पाकिस्तान पायदाबाद, अस्सलाम वालेकुम भाई। फाइनली जी, इसका एक शॉर्ट वीडियो था, एक शॉर्ट वीडियो थी प्रोजेक्ट के लिए, उस वो रिकॉर्ड हो चुकी है। ये बहुत लंबी लंबी सांसें ले रहा था, फिर थोड़ा सा डर रहा बेटा, फर्स्ट टाइम था मेरी वीडियो का, और तुम तो जो है बहुत कट मारे शॉर्ट में। जाहिर है भाई, पर करना पड़ता है भाई, तुम साहब जो है ना बड़े वो ब्लॉगर हैं या कुछ लिखने वाले हैं, कुछ भी नहीं है, काम से स्टूडेंट है और कुछ नहीं है। तो फाइनली इसका वो जो शॉर्ट वीडियो था वो कंप्लीट हो गया। तो ऊपर हम जब आए तो बहुत गर्मी थी यार, बहुत गर्मी है यहाँ पे कसम से, नीचे बैठक में बैठक में सर्दी लग रही है। इसको अच्छा सा एडिट करना है और अच्छा सा वीडियो बनाना है, अगर बना नाम दूंगा ठीक है, एडिट कर दूंगा, टेंशन नॉट, मगर 2-3 महीने लग जाएंगे एडिट करने में। आउटिंग में ले जाऊंगा अगर अच्छा वीडियो बनाए, तो आउटिंग में मैं खुद भी जा सकता हूँ। नीचे हमारा दोस्त बैठा हुआ था, नीचे वो इंतजार में बैठा हुआ, उसको हम छोड़ के आ गए थे, देखते हैं वो बैठा हुआ है या चला गया। हाँ दोस्त, तू बैठा हुआ है भाई, फोन पे बात कर रहा है, जा रहा है क्या? बाहर चक्कर लगा के आ रहा है दिलदार भाई, बाहर गए हुए फोन पे बात करते हुए, पता नहीं किसका फोन आ गया था, बहुत परेशान लग रहे थे और कुछ बताया भी नहीं, ऐसे ही चले गए। और चाय का सीन बनाने वाले थे, और चाय का सीन अभी हम बनाने वाले हैं। ओ किधर गए थे? बच्ची का फोन आ गया था क्या? हम ऐसा काम नहीं करते हैं। कौन से काम करते हैं? काम हमने कहीं नहीं करते, तुम जानते हो। तो फिर इतना परेशान होके फोन आया और इतनी जल्दी से बाहर चले गए? जाहिर सी बात है, कोई ऐसा होता है मामला, अच्छा जरूरी नहीं है कि लड़की का मसला हो। खैरियत तो है ना हर चीज, खैरियत है ना। हाँ बस ठीक है, खैरियत तो इतना काफी है अल्हम्दुलिल्लाह। नो टेंशन। ओके बाय बाय। चाय नहीं पियोगे? ना भाई, दिलदार भाई जा रहा है, वो बोलता है कि मैं चाय नहीं पीऊंगा, मैं जा रहा हूँ। चलो फिर मैं लाइटें वाइटें बंद कर लेता हूँ, ऊपर जाता हूँ घर पे, चाय का सीन बनाते हैं। दरवाजा भी बंद कर देता हूँ, क्या जाता हूँ तो मैं ऊपर घर जाता हूँ, देखता हूँ क्या चाय का क्या सीन है। तो टाइम हो रहा है 4। ओ किचन में तो कुछ भी नहीं है, मैंने सोचा चाय बनी होगी तो चाय पी लूंगा, चाय तो बनी हुई नहीं है। तो मैं ऊपर आया हूँ, चाय देखी तो चाय भी नहीं थी, तो वो तो 5 बजे ही बनती है शायद। निज़ाम मेरे से जिद कर रहा है कि जय जल्दी से एडिट करके दो, जल्दी से एडिट कर दो, मैं भेज दूँ वो एडिट करके, मैं उसको दे रहा हूँ अभी। तो फाइनली जी 5 बज चुके हैं और निज़ाम भाई की जो वीडियो एडिट करनी थी वो मैंने एडिट कर दी, टाइम हो गया चाय का। आवाज आ रही है, बहुत गर्म है चाय, ठंडी हो जाए तो मैं बाद में पीऊंगा।
ये बता वीडियो कैसे मैंने एडिट की, अच्छी की है या नहीं? रिव्यू कमाल की किए यार, कमाल की। हाँ वैसे जैसे तुम दिखते नहीं हो वैसे मैं और अच्छा मैंने दिखाया। ऑसम भाई ऑसम, है ना? ऐसे थोड़ी है भाई। और बड़ी बात, वीडियो जा नहीं रही, इतनी बड़ी वीडियो व्हाट्सएप पे नहीं जा रही कहीं पे। 3 मिनट की वीडियो नहीं जा रही, 2 मिनट की जा रही है, 3 मिनट की नहीं जा रही। ये बड़ा मसला हो गया निज़ाम के लिए, टेंशन में आ गया निज़ाम, अब क्या करें? हो जाएगी, कोशिश करो, हो जाएगी। तो टाइम हो रहा है 6:30, तो अभी हम जा रहे हैं निज़ाम और मैं, घर का थोड़ा सामान सौदा लेना है। यार बाइक पे क्यों, कार पे क्यों नहीं? कार वो उधर खड़ी आगे आगे, सच में झूठ तो नहीं बोल रहा? देखते हैं कार है कि नहीं है। How it's being understood or whatever. Yeah, the wonderful thing about that is that it speaks to people. बोला था कि गाड़ी लेके आ रहे हैं, गाड़ी कहाँ है? ये सामने खड़ी है। हम तो बाइक पे आए, गाड़ी कहाँ है? नहीं नहीं मोटर कार पे। कार पे कहाँ है? इतना सामान ले लिया बस ना, इतना काफी, और लेना है क्या? मैं भी देखूं इसमें कौन कौन से परफ्यूम है, मैं सोच रहा हूं मैं भी अपने लिए एक ले लूं। तो फाइनली जो ये परफ्यूम हमने पसंद किए और सारा सामान हमने ले लिया है, अभी लाइन में हम खड़े हुए, हमारी बारी आएगी। सारा सामान हम बाइक में कैसे लेके जाएंगे? वो कट्टा नहीं है? कट्टा क्या होता है? कट्टा क्या होता है? कट्टा चाहिए ना, कैसे लेके जाएंगे? कट्टा क्या बोलते हैं इसको, पाचका वगैरह जो भी है, कट्टा क्या होता है? अब उसकी जरूरत है ना, कैसे लेके जाएंगे बाइक में? एक एक थैली कैसे लेके जाएंगे यार? अबे फुहार करवा दिया तुमने, आज बाइक पे लेके जाना पड़ेगा। दुकानों में से पूछो किसी दुकान वाले के पास होगा, कट्टा नहीं मिला मतलब बाइक पे लेके जाना पड़ेगा। फाइनली जी हम घर वापस आ चुके हैं, बहुत सर्दी थी बाहर। ये सारा सामान आ चुका है, ये सारा सामान खाने पीने का और लगाने का, मसाले मसाले हैं। आज का व्लॉग यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो अभी मैं व्लॉग को यहाँ पे एडिट करूँगा, 2-3-4-5-6 घंटे भी लग जाते हैं कभी कभी, तो 2 घंटे में एडिट करके फिर मैं अपलोड करता हूँ।